اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين फ़इलम युसिब हा विलफ़ल्लाम तमलूनबीर उन लोगों की मिसाल है जो अपना माल अल्लाह तजामंदी की, की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं उस बाग जैसी है जो ऊँची ज़मीन पर हो और ज़ोरदार बारिश उस पर बरसे और वो अपना फल दोगुना लाए और अगर उस पर बारिश ना भी पड़े तो फुहार ही काफ़ी है और अल्लाह ताला तुम्हारे काम देख रहा है ये उन अहले ईमान की मिसाल है जो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं उनका ख़र्च किया हुआ माल उस बाग के मानंद है जो पुरफ़ा और बुलंद चोटी पर हो कि अगर ज़ोरदार बारिश हो तो अपना फल दोगुना दे वरना हल्की सी फुहार और शमनम भी उसको काफ़ी हो जाती है इस तरह उनके नफकात भी यानी खर्च भी चाहे कम हो या ज़्यादा अल्लाह के यहाँ कई कई गुना अजर सवाब के बाइस होंगे जन, जन्ना उस ज़मीन को कहते हैं जिसमें इतनी कसरत से दरख्त हों जो ज़मीन को ढाँक ले या वो बाग जिसके चारों तरफ बाढ़ हो और बाढ़ की वजह से बाग नज़रों से पोशीदा हो ये जिन से जिन से माखूज है जिन लफ्ज़ होता है ना उससे माखूज है जिन उस मखलूक का नाम है जो नज़र नहीं आती और पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसको भी जनीन कहा जाता है वह भी नज़र नहीं आता और दीवानगी भी जुनून से ताबित करते हैं दीवानगी जो होती है उसको जुनून कहा जाता है उससे भी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है और जन्नत को इसलिए जन्नत कहते हैं कि वो नज़रों से छुपी हुई है और रवा ऊंची ज़मीन को कहते हैं और वाबिल तेज़ बारिश को अद्दुआ नहू जन्नतु मिन ना बिन तजरी मिन तहतिय

और हर किस्म के फल मौजूद हों उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो और उसके नन्ने नन्ने से बच्चे भी हों और अचानक बाग को बगूला लग जाए जिसमें आग भी हो बस वो बाग जल जाए इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर और फिक्र करो इसी रियाकारी के नुकसान को वाज़े करने और उससे बचने के लिए मज़ीद मिसालें दी जा रही हैं जिस तरह एक शख्स का बाग हो जिसमें हर तरह के फल हों यानी भरपूर आमदनी की उम्मीद हो वो शख्स बूढ़ा हो जाए उसके छोटे छोटे बच्चे हों ज़ीफ़ी की कमज़ोरी की वजह से मेहनत और मशक्क़त से आजिद आ चुका हो और औलाद भी उसके बुढ़ापे का बोझ उठाने की बजाय खुद अपना बोझ उठाने के काबिल भी ना हो इस हालत में तेज़ और तुरंत हवाएं चलें और सारा बाग जल जाए अब ना वो खुद दोबारा इस बाग को आबाद करने के काबिल रहा और ना उसकी औलाद यही हाल उस रियाकार खर्च करने वालों का क़यामत के दिन होगा कि नफाक़ और रियाकारी की वजह से उनके सारे आमल अकारत चले जाएंगे यानी बर्बाद हो जाएंगे जबकि वहाँ नेकियों की शदीद ज़रूरत होगी और दोबारा अच्छे काम करने की मौलत और फुर्सत नहीं होगी अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा यही हाल हो हज़रत अब्दुल्ल इबन अब्बास रदी अल्लाह तहुआ और हज़रत उमर रदी अल्लाह तुमा ने इस मिसाल का मसदाक उन लोगों को भी करा दिया है जो सारी उम्र नकिया करते हैं और आखिर उम्र में शैतान के जाल में फँस कर अल्लाह के नफरमान हो जाते हैं जिससे उम्र भर की नकियाँ बर्बाद हो जाती हैं

खर्च करो उनमें से बुरी चीज़ों की खर्च करने का कर्ज ना करो जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो हाँ अगर आंख बंद कर लो तो और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरबार ख़ूबियों वाला है सदक़े की कबूलियत के लिए जिस तरह ज़रूरी है कि रियाकारी से पाक हो जैसा कि गुज़िश्ता आयत में बताया गया है उसी तरह ये भी ज़रूरी है कि वो हलाल और पाकिज़ा कमाई से हो चाहे वो कारोबार यानी यानि तजारत सनात के ज़रिए से हो या फसल और बागात की पैदावार से और ये फरमाया कि खबीस चीज़ों को अल्लाह की राम में ख़र्च करने का कस्त मत करो खबीस से एक तो वो चीज़ें मुराद है जो गलत कमाई से हों अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं फ़रमाता हदीस में आता है अल्लाह ताली पाक है पाक हलाल चीज़ ही कबूल फ़रमाता है दूसरे कबीर का माना रद्दी और निकम्मी चीज़ के हैं रद्दी चीज़ें भी अल्लाह की राह में खर्च ना की जाएं जैसा कि आयत लंतनाब्रह तफ़ीबून का भी मफाद है इसके शान नजुल की रवात में बतलाया गया कि बादसार मदीना की ख़राब और निकम्मी खजूरें बतौर सदका मस्जिद में दे जाते जिस पर ये आयत नाजिल हुई यानि जिस तरह तुम खुद रद्दी चीज़ लेना पसंद नहीं करते उस तरह अल्लाह की राह में भी रद्दी चीज़ें खर्च ना करो बल्कि अच्छी चीज़ें खर्च करो बहुत सारे लोगों का हमारे समाज में हम देखते हैं कि मामला ये होता है कि अपने लिए तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी देख कर लोग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आती है मज़ी मदरसे में देने की बात आती है तो सस्ती रद्दी गली कोई भी दे दो चल जाएगा मामला हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए अल्लाह ने कहा जो तुम अपने लिए पसंद करते हो तो अल्लाह की राह में अगर वाकई में दे रहे हो हाँ खालिश नीयत के साथ तो वही चीज़ दो जो अपने लिए पसंद करते हो अपने लिए अजीज़ रखते हो क्योंकि जिस जगह दे रहे हो वो आम मखलूक की जगह नहीं है बल्कि वो अल्लाह का अल्लाह की राह है अल्लाह पाकिज़ा और अच्छी चीज़ों को ही पसंद फरमाता है तो ये देखिए किस तरह सदक़े में कैसी खजूरें आई थी रद्दी खजूरें चलो अल्लाह की राम दे रहे हैं उनको क्या ज़रूरत अल्लाह को ऐसा नहीं है बल्कि अच्छी चीज़ें ही दी जाए बल्कि जो अपने लिए अजीज़ रखते हुए इंसान अपने को जो पसंद है वही अल्लाह की राह में देने की कोशिश करे तो ये सदक़ात की बात है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर गौर करने की तौफीक इनायत फरमाए अल्लाह ताला इस आयात के मुताबिक हमें अमल करने की तोफ़ी ताफ़रमाए नबालमी तो हकीम को हमारे दिलों की बाहर बना दे नबालमीन कुरान हकीम को तो हमारे सीनों की रोशनी बना दे नबुलमी कुरान हकीम को हमारे अक़ायद और हमारे अमाल की असलाह का ज़रिया बना दे आमीन व आखर उदावाना अलहमदिल्ला रबालमी